हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटेक में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी फाइल कैसे दोस्तों किसी दूसरे अपने फेसबुक मैसेंजर पर कैसे सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कोई भी अदर डॉक्स फाइल है, आप उसको कैसे इजिली वे में फेसबुक मैसेंजर ग्रुप या फेसबुक मैसेंजर चैट पर आप कैसे सेंड कर सकते हो, वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ। दोस्तों हम लोग कोई भी फेसबुक चैट पर या कोई भी फेसबुक मैसेंजर पर हम इजिली वे में कोई भी फोटोज को सेंड कर पाते हैं, मगर जहाँ बात फाइल की आती है या कोई पीडीएफ फाइल की आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आती है, तो वहां भेजने का ऑप्शन ही नहीं देता है। चलिए मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि वो आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी फेसबुक मैसेंजर पर कैसे शेयर कर सकते हो, कोई भी ग्रुप कोई भी चैट्स पर। बहुत ईजी है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार कि अगर चैनल पहली बार विजिट किए हो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने वाले स्क्रीन पर आ चुका हूँ यार। अब आपको करना क्या है, इजीली मैं आपको बता देता हूँ यार। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। मैं जैसे अपने गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, तो यार उसमें आपको अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी को ओपन करना है, वही मैसेंजर जो आपकी मैसेंजर आईडी से लिंक हो, है ना दोस्तों। आपको वही फेसबुक अकाउंट अपना यहाँ पर लॉगिन करना है, जिस मैसेंजर पर आप अपना सेंड करना चाहते हो कोई भी पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्स वाई जेड, आप जो भी शेयर करना चाहते हो, जो आपकी फेसबुक आईडी मैसेंजर से लिंक हो, वही आईडी को आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ अपनी। चलिए दोस्तों, मैं अपनी आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। आईडी में लॉगिन होने के बाद यार आपको सिंपली वे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आईडी में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन ही छोड़ देना है। इसको आपको क्या नहीं करना है दोस्तों, लॉग आउट नहीं करना है, ठीक है ना, लॉग आउट नहीं करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है messenger.com। जैसे ही आप messenger.com दोस्तों ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ से सिंपली दोस्तों पहले क्या करना है, इसको डेस्कटॉप साइट में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कंटिन्यू एज पवन कुमार दोस्तों, यानी कि मेरी फेसबुक आईडी का इसी नाम से ओपन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे क्रोम को दोस्तों क्या करना है, इजीली वे में सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर देना है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आप जिस भी ग्रुप में या जिस पटल में आप भेजना चाहते हो, आप वहाँ पे इजीली सेंड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं चलिए आपके सामने इस ग्रुप को दोस्तों सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है ना। जब मैं उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, तो उसका मैसेज या उसका चैट्स दोस्तों आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। जब यहाँ पे खुल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन भी आ रहा होगा, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक प्लस का ऑप्शन भी आ रहा होगा नीचे की ओर, जहाँ पे आप चैट करना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे जब प्लस पे दोस्तों आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा फोटोज़ का, ठीक है ना। तो उस पर आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा मेरे यार फाइल्स, है ना। फाइल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ पीडीएफ खुल जाएंगे। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, फाइल मैनेजर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कुछ मतलब फ़ोन स्टोरेज से वैसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए मैं मुझे ये दो पीडीएफ दोस्तों भेजनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दो पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक और दो पीडीएफ, ठीक है ना। चलिए पहले मैं एक एक करके भेज देता हूँ, दो साइज सेलेक्ट नहीं हो रही एक बार में, तो मैं एक एक करके भेज देता हूँ। तो मैं इसको क्या किया हूँ, सिलेक्ट कर दिया हूँ और अब यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसको सेंड कर दिया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेंड का, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको सेंड पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा क्या हो गया है, सेंड हो गया है, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यार कि मेरा पीडीएफ जो है सिलेक्ट सिलेक्ट या सेंड हो चुका है, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे सिलेक्ट सेंड कर चुका हूँ नीचे की ओर, आप लोग इजीली भी मैं देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना यार। अब चलिए मैं मुझे एक और भेजना है, जैसे कि मैं एक और भेजना चाह रहा हूँ, तो अब आपके सामने मैं दो एक और दूसरी वाली भेज के दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे हैं फिर से मुझे ऑप्शन आ रहा है फाइल्स का, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिर से फाइल मैनेजर पर जाना है, फाइल मैनेजर फोन स्टोरेज पर जाना है। फोन स्टोरेज पर जाने के बाद आप फिर से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने फिर से एक ऑप्शन देगा, वही सिलेक्ट होने के बाद आप लोग नीचे की ओर देख पा रहे होंगे कि मेरा सिलेक्ट हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, सेंड कर दिया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यार, ये दूसरी जगह जा चुका है, लेकिन मैं फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोगों को आखिर सेंड कैसे करना है। यार मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। यार इंपॉर्टेंट रही हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे टेक्निकल वीडियो दोस्तों आप सभी के सामने शेयर करता रहता हूं। थैंक यू सो मच।